एक नए टॉपिक में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। गाइज, अगर आप लोगों के भी 1 लाख फॉलोवर यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं आपके यूट्यूब चैनल पर, तो अब आप डायरेक्ट प्ले बटन मंगवा सकते हैं। और ये प्ले बटन मंगवाने का पूरा प्रोसेस क्या है, कहाँ पर इसका फॉर्म आपको मिलेगा, और अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो अभी आप कैसे इसको मंगवा सकते हैं आफ्टर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट, ये आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। टॉपिक को शुरू कर लेते हैं जल्दी से। तो जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें दोस्तों। और किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, रेगुलर अपडेट आपको यहीं पर मिलती है एवरीडे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उठाकर फॉलो कर लीजिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब कम्युनिटी के लिए, जितने भी क्रिएटर्स हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को। अगर आपके हाल ही फिलहाल में 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं तो मैं आप लोगों को बताऊं कि यूट्यूब अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक अवार्ड, क्रिएटर अवार्ड का ईमेल भेजता है। कुछ इस तरीके का होता है ये ईमेल, और इस ईमेल के अंदर ही आपका रीडम करने का एक ऑप्शन होता है जिसमें एक फॉर्म होता है। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है, ऑनेस्टली से आपको वो सारी जानकारी देनी होती है जो आपकी लीगली हो, और वो हमें यूट्यूब को सबमिट करनी होती है। जब हमारा ये सारी प्रोसेस को कंप्लीट होता है तब हमारे पास प्ले बटन आता है। ये कैसे हो रहा है इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। इसके लिए मुझे आपको सबसे पहले अपनी स्क्रीन तक ले जाना होगा। मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन को सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ। देखो, प्ले बटन मंगवाना आसान है लेकिन प्रतिक्रिया समझना जरूरी है। हमारे साथ में हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन पर सबसे पहले मैं अपना ईमेल खोल लेता हूँ। ये है हमारा क्रिएटर रीडम, यहाँ पर देखिए रीडम योर यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड, और यहाँ पर हमारे चैनल का नाम भी लिखा हुआ है और ये एक फॉर्म के साथ आया है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, एक नंबर पर हमारे उस फॉर्म का लिंक और दूसरा हमारा एक रीडम कोड। इस रीडम कोड को आपको कॉपी कर लेना है सबसे पहले ही, क्योंकि ये आगे स्टेप मैं बताता हूँ क्या है। देखो, यहाँ पर हमने सबसे पहले इस फॉर्म को ओपन कर लिया। इस फॉर्म को ओपन करने के बाद सबसे पहले ये कहता है गेट रेडी टू सेलिब्रेट, और यहाँ पर सेलिब्रेट के साथ वही कोड यहाँ पर डालना होता है जो हम आपसे अभी कॉपी करने के लिए बोल रहे थे। अब यहाँ पर आपने कोड को कॉपी करा हुआ है तो यहाँ पर सिंपल से इसको फिल कर दें। मैं यहाँ पर इसको फिल कर देता हूँ और ये रीडम अवार्ड पर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। मैं जैसे ही रीडम अवार्ड पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये फॉर्म आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़ने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें आपका सबसे पहले बता रहा है सिल्वर क्रिएटर अवार्ड है मेरा, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप किस नाम से इसको मंगवाना चाहते हो। ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप किस नाम से मंगवाना चाहते हो, यहाँ पर वो नाम डालो। आपका यूट्यूब चैनल सेम नाम से है तो आप सेम नाम से मंगवाना चाहते हो तो यहाँ पर एज इट इज़ वही नाम लिख दो। अगर आप थोड़ा सा चेंज करके अपने नाम को बनवाना चाहते हो प्ले बटन को तो आप वैसा कर सकते हो, आप ऐसे समझो। तो मैं यहाँ पर एक नए नाम से मंगवाना चाहता हूँ और वो मेरा है सैफी सिंगर। तो मेरा सैफी सिंगर के नाम से ये क्रिएटर अवार्ड आना चाहिए। मैं ऐसा यहाँ पर दिखा दूँगा। देखिए, नीचे यहाँ पर ये शो भी हो रहा है कि आपका कुछ इस तरीके से आएगा। आपने अपनी स्पेलिंग को बहुत अच्छे से करेक्ट करना है, देन इसके बाद इस स्टेप को आगे बढ़ाना है। ये अगर आप कर लेते हैं क्लियर तो यहाँ पर आप इसको अप्रूव चेक पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि जो फिल आपने करा है क्या वो सही है, इसको अप्रूव कर देना चाहिए, तो आप इसको अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है और इस फॉर्म का नेक्स्ट पेज है। यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है हमारा एक ईमेल एड्रेस यहाँ पर मांग रहा है। इस ईमेल एड्रेस को हमें यहाँ पर फिल करना है। ये वही ईमेल एड्रेस होगा जो आपका चैनल का है, आप इसको उस तरह से भर सकते हैं भाई। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपने ईमेल एड्रेस को सेंड कर दिया है। अब आते हैं कंट्री में। कंट्री में हमारी क्योंकि इंडिया है तो हम सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट करेंगे, और इंडिया को आप अगर कहीं और से हैं तो आप अपना उस हिसाब से सेलेक्ट कर लें, लेकिन मोस्टली सब इंडिया से लोग देखते हैं वीडियो तो ये इंडिया ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंडिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमारे पास मांगता है हमारा गवर्नमेंट एक आईडी, जो आधार कार्ड है। सेम आधार कार्ड में जो हमारा नाम है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो मेरा जो आधार कार्ड में नाम है मैं यहाँ पर सेम लिख देता हूँ, ये हो गया। इसके बाद आता है कंपनी में। कंपनी में आप क्या डालोगे मैं आपको बताऊं, आप कंपनी में अपने चैनल का यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर चैनल का नाम डाल दूंगा। इसके बाद आता है आपका एड्रेस, फिलिंग एड्रेस आपको बहुत ध्यान से भरना है। यहाँ एक चीज़ मैं और बताता हुआ चलता हूँ आपको। जैसे मैं अपना एड्रेस यहाँ पर सबसे पहले फिल कर लेता हूँ, तो यहाँ पर वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये आ जाएगा हमारा
चलो ये आ गया, और इसके बाद सेकंड कॉलम में हो सके तो आप अपना नंबर डाल दें। ये क्यों मैं बता रहा हूं अभी आपको बता देता हूं। नंबर डालने का आपको इसलिए मैं रीजन बता रहा हूं कि आपके एड्रेस के साथ ही उस चिट पर आपका नंबर शो हो जाता है, कई बार आपका नंबर शो नहीं हो पाता है, तो उस एड्रेस के बदले वो नंबर भी देख लेगा तो भी आपको फोन कर लेता है पोस्टमैन। यहाँ पर आप बाकी पूरा एड्रेस लिखो, डजेंट मैटर, मैं यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ, क्योंकि जब मैंने ये अपना पिन मंगाया था गूगल एडसेंस से तब भी मैंने यही करा था और डायरेक्ट मेरे पास कॉल आ गई थी और मैं खुद लेने पहुँच गया था, बाकी टाइम लग जाता है इसमें, तो मैं इसको पूरा वैसे फिल कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बता रहा हूँ ये, ठीक है। सिटी में आप अपने हिसाब से सिटी यहाँ पर डाल दें, जो भी आपकी सिटी आती है। स्टेट यहाँ पर जो आता है आपका स्टेट डाल दें, आपका जो आपका जिप कोड है आप वो यहाँ पे डाल दें, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपसे मांग रहा है आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दें, ये भी सेम चीज़, ठीक है। VAT ये वैट नंबर है आपका, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आधार कार्ड या पैन कार्ड की यहाँ पर आईडी आपको डालना है, मैं यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डाल लिया है। यहाँ पर एक चीज़ ये पूछ रहा है, भाई आप जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वो बहुत करेक्ट करना, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको दोबारा चेंज करवा सको, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इसको कन्फर्म करना है और अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एड्रेस का एक रिव्यू हमारे को दिखा देगा कि आपका ये नाम है, इस नाम के साथ आपका ये एड्रेस यहाँ पर आ रहा है, इस एड्रेस पर ये आपका मोबाइल नंबर है और ये आपका आधार कार्ड है, क्या आपको इस ही एड्रेस पर ये मंगाना है, आपको प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है, फिर से एक बार पूछेगा और यहाँ पर आपका लीगल नेम पूछेगा, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो ये हो गया। और कन्फर्म एंड प्लेस ऑर्डर आपको टैप करना है, जैसे ही मैं इसको टैप करता हूँ, टैप करने के बाद देखिए हमारे यहाँ पर सबसे पहले हमारा ऑर्डर का नंबर आ चुका है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एंड ये ऑर्डर नंबर हमारे पास आ गया है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, हमारा ऑर्डर यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता रहा है ये, इसको आप समझे कि ये आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा, तो आप इस तरह से समझें, आप अगले 15 दिन तक अब इंतज़ार करें, ये यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड में आपका सिल्वर प्ले बटन अब ये डिस्पैच हो जाएगा कुछ ही टाइम में, और जैसे जैसे इसकी ट्रैकिंग होगी आप इस ट्रैक आईडी से इसको ट्रैक कर सकते हो, इवन आपके साथ अगर कोई दिक्कत भी हो रही है शिपिंग करने में तो आपको मेल आ जाएगा कि भाई इस वजह से, ये प्रॉब्लम की वजह से अभी आपका ऑर्डर आप तक नहीं पहुंच पा रहा है और इसमें इतना वक्त लग सकता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर कर दी जाती हैं थ्रू योर ईमेल एड्रेस। तो आप इस तरह से अपना सिल्वर प्ले बटन या गोल्डन प्ले बटन या डायमंड प्ले बटन, सभी का प्रोसेस यही है, आप सभी मंगा सकते हैं ठीक ऐसे ही, और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतने ही दोस्तों, जय हिंद।